हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन अगर आप इस प्रैक्टिस को हर दिन अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप अकेले हो अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे। अपने किसी भी काम में अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो ये प्रैक्टिस आपकी लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए। बहुत टाइम पहले की अगर मैं अपनी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी होती थी तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा हमें ये चीज़ बोल के रखी कि कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपको लाइफ में कोई भी चैलेंज आ रहा है, किसी भी तरह की टेंशन हो रही है कि ये चीज़ का सोल्यूशन कैसे मिलेगा, तो ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। इवन मुझे रात को मतलब अंधेरे से बहुत डर लगता था, तो वो हमेशा कहते थे कि आप अपने आप को अकेला मत समझो, हमेशा यही देखो कि तुम्हारे साथ वो डिवाइन शक्ति है, वो भगवान है तुम्हारे साथ। तो उस टाइम पे बहुत छोटे होने की वजह से उस चीज़ को मैंने एज ए प्रैक्टिस अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया कि जब भी मुझे डर लगता था किसी चीज़ से, जब भी मुझे लगता था कि किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैं हमेशा उस भगवान को याद करना शुरू कर देती थी। और ऐसे करते करते मेरा एक रिलेशनशिप बन गया, एक ट्रस्ट बन गया, एक बिलीव बन गया कि चाहे मुझसे कोई भी चीज़ मेरी कैपेसिटी से बाहर जाके ना हो पाए, लेकिन उस भगवान की वजह से, उस डिवाइन शक्ति की वजह से जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसकी वजह से मेरा ये जो काम है मुझे इसका सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। और तब भी मेरी लाइफ में बड़े बड़े मैजिक होते थे बिकॉज आई ट्रस्ट दैट जो वो एनर्जी जो हमें दिख नहीं पाती है लेकिन वो है एक्चुअल में, हम उसे यूनिवर्स बोल सकते हैं, हम उसे अपने भगवान का नाम दे सकते हैं, वो एनर्जी है हमेशा से। तो उस टाइम पे मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चलने स्टार्ट हो गई। लेकिन जब बीच में मैंने उस एनर्जी को अपने से दूर कर लिया, मैंने ये मानना शुरू कर दिया कि मैं अकेली हूँ, जो भी मुझे करना है मुझे खुद से ही करना है, और ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, ऐसी कोई पावर नहीं है। बीच में एक फेज़ ऐसा भी आया जब मैं बिल्कुल ही उस एनर्जी से एकदम से कट ऑफ हो गई, तब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टफ टाइम चलना स्टार्ट हो गया। और मुझे ना चाहते हुए भी मुझे ऐसे लगने लग गया कि एक्चुअल में ये एनर्जी है ही नहीं, वो कुछ था ही नहीं, हमेशा से कुछ भी नहीं था। लेकिन वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंजिंग टाइम था। और जब आप अपने आप को अकेला समझते हो तब के लिए उस टाइम से निकल पाने के लिए आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि हमें हमेशा अपनी उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होके रहना चाहिए। हम डिसकनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे हमारा बर्थ हुआ है, इससे पहले से ही हमारी जर्नी चलती आ रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ये चीज़ सीखते हैं कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, चाहे हमारी बॉडी चेंज होते जा रही है लेकिन हमारी आत्मा तो हमेशा से ही है किसी ना किसी रूप में। तो उस कनेक्शन को लॉस्ट होने की वजह से मैं अपनी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस होते थे उनमें बहुत ही हेल्पलेस फील करती थी, सैड फील करती थी, और लाइफ में जितनी चीज़ों को जितना आसानी से कर पाती थी उतना ही अब टफ होना स्टार्ट हो गया था मेरे लिए। लेकिन यही एक चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ कि अपने साथ अगर आप इस एक प्रैक्टिस को ऐड कर लेते हो कि आपके साथ हमेशा एक डिवाइन एनर्जी रहती है, आपके अंदर भी वही एनर्जी है, आपके बाहर भी वही एनर्जी है, वो प्योर एनर्जी है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है, वो यूनिवर्सल एनर्जी कह सकते हो, वो अपने भगवान के रूप में आप उसे इमेजिन कर सकते हो, आप चाहो उसे कोई रूप देना चाहो आप रूप दे सकते हो। अगर आपके घर में, आपके मंदिर में आप किसी भगवान को मानते हो, आप उनके चेहरे को फील कर सकते हो कि वो हमेशा आपके बगल में है और हमेशा आपके साथ में है। और चाहो तो आप यूनिवर्स को इमेजिन कर सकते हो कि जो एक एनर्जी है जो रॉ फॉर्म में है, एक प्योर वाइट लाइट है, आप उस प्योर वाइट लाइट के बबल को इमेजिन कर सकते हो। आपके फीलिंग के ऊपर है कि आपको किस तरह की एनर्जी पसंद है, आपको किससे फीलिंग आती है, आप उसे हर दिन अपनी लाइफ में छोटे छोटे चैलेंजेस में ये मानना स्टार्ट कर दो कि अगर मुझसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है तो इस यूनिवर्सल एनर्जी के पास तो बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये तो कुछ भी कर सकती है। तो आप अपनी लाइफ में देखोगे आपको बहुत आसानी से हर चीज़ के सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी लाइफ बहुत मज़ेदार हो जाएगी, मैजिकल हो जाएगी। अब आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए खुद चिंता करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर मैंने इस चीज़ को पूरा नहीं किया तो ये हो ही नहीं सकती। आपको बस अपने लेवल का काम करना है, जहाँ पर आपको लगता है कि मुझसे ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको वहाँ पर उसको सरेंडर कर देना है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि समर्पण कर देना है। तो वहाँ पर ट्रस्ट कर लेना है पूरी तरह से कि वो एनर्जी है वो करेगी इस चीज़
चीज़ का सोल्यूशन, वो ही इस चीज़ का हल करेगी। मैं जो कर सकती थी मैं अपने हिसाब से वो कर पा रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो अगर ये एक प्रैक्टिस को आप अपनी डेली रूटीन में ऐड करोगे तो आपको कभी भी अकेलापन नहीं फील होगा, कभी भी ये नहीं फील होगा कि मेरा ध्यान रखने के लिए कोई और है ही नहीं, यूनिवर्सल एनर्जी है ही नहीं, और अगर मैं यहाँ पे कोई भी चैलेंज फेस कर रही हूँ तो मुझे ही उसका हल ढूंढना पड़ेगा। आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे, लेकिन उसके गाइडेंस आपकी इंट्यूशन के थ्रू, उस यूनिवर्सल एनर्जी के थ्रू ही आएगी। तो हमेशा अपना एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करें। इस दुनिया में अगर आप लॉस्ट फील करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कि मैं किस तरह से अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आऊं, तो ये बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है कि अब से ही आप एक डिवाइन एनर्जी को अपने साथ महसूस करना शुरू कर दीजिए कि वो आपके साथ है, हमेशा आपके सपोर्ट में है। जो आप कर सकते हो वो आप करोगे, जो आप नहीं कर सकते हो वो करेगी। अपनी डेली रूटीन में ऐड करो, जब भी कोई चैलेंज आता है हमेशा उस डिवाइन एनर्जी को याद करो, उसे फील करो कि वो आपके साथ है, और उसे ट्रांसफ़र कर दो कि वो अपने तरीके से उसे सॉल्व करे। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।